गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह से शुरू हो रहा है आज का व्लॉग। सुबह आज पूरी एंड आलू की सब्जी बनी थी जो बंगालीज के फेवरेट है, और बहुत दिनों बाद ये बनाया और लगभग एक महीना हो गया पूरी नहीं खाई थी हमने। तो सुबह सुबह सब काम ख़त्म करने के बाद फाइनली अभी जो डिलीवरी आया है ये लिक्विड सर्फ है जो बहुत अच्छा लेवेंडर फ्लेवर का है, देखते हैं यूज़ करके कैसा होता है। अच्छे ऑफर में मिला था। ये है दोपहर का हमारा लंच। तो रेसिपी मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी थी। ये परवल का जो छिलका होता है ना वो खसखस के साथ बंगाली स्पेशल है। भिंडी को फ्राई किया सारे बंगाली। ये कमल ककड़ी है जो मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएगा आपको बहुत दिनों के बाद। टमाटो की चटनी बनी है गुड़ के साथ, हेल्दी है। लौकी के साथ दाल बनी है, मूंग की दाल, दही। एंड मैंने अपने बेबी का एक साथ ले लिया है अपने ही प्लेट में, तो पहले बेबी को खिलाएंगे फिर मैं खा लूँगी, तो लगभग एक साथ हो जाएगा। और ओकेशन पर्पज से ये चटनी वगैरह थोड़ा बहुत बनता है। आज बारिश का मौसम है तो सोचा चलो अब बेबी हमारे साथ आजकल खाना खाता है तो उसको आइसोलेटेड मैं नहीं खिलाती हूँ। शाम की फिर अच्छे से सोए, सोने के बाद बेबी को सुलाते सुलाते तो मुझे नींद आ गई। फिर चाय तड़क बड़ी चाय, और ये भाकर बड़ी कौन कौन खाया है, कितना टेस्टी होता है ना। तो चाय वगैरह खा पी लिया, बेबी को भी खाना खिला के हम लोग थोड़ा नीचे गए थे किड्स जोन वगैरह। और ये मैंने डिस्कवर किया है ये जो फ्लावर है कितने अच्छे स्मेल होता है ना, और ये महक इतनी अच्छी देती है। तो मैंने कुछ फ्लावर्स उठा के लेकर आए थे जो नीचे गिरे हुए थे, आके मैंने पानी पे रख दिया, पानी में रख दिया था। अच्छा लगता है, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स एंड वैसे प्लांट्स हैं। लीची, मैंगो, ये तो है ही, आप लोगों को पहले भी दिखाया है। और ये मुझे 2 दिन हुए हैं ये मैंने डिस्कवर किया है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं शाम को आने की कोशिश करूँगी इनकी महक को के लिए। तो शाम को घर पे आए, फिर बेबी को फ्रेश किया, हम सब फ्रेश हुए। तो रात के लिए डिनर प्रिपरेशन कर रही थी, दलिया की खिचड़ी बना दी हम सब के लिए, और यहाँ पर बैंगन जो फ्राई किया हुआ था बंगाली स्टाइल में बेसन के पक। सो ये बैंगन जो पकौड़े होते हैं बंगाली स्टाइल में रेडी है। ये लास्ट वाले हैं जो एकदम लास्ट में बेसन थोड़ा सा बचा नहीं रहता वो वाला है। सो यहाँ पे अगेन हम 3 लोग का डिनर रेडी है। तो बेबी अभी अकेले के लिए पानी पीता है, पर अभी उसे पानी पीना नहीं है, खेलना है। देखा, फाइनली दिन ख़त्म हुआ एंड रात का डिनर वगैरह सब कुछ हो गया, मैं भी फ्रेश हो गई। और पूरे दिन के बाद ये जो फ्रेश होने का टाइम होता है ना, इस टाइम पे बहुत अच्छा रिलैक्स लगता है क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है। और बेबी यहाँ पे खेल रहा है, उसके साथ मैंने अभी 2 वीडियो अपलोड किए जो शॉर्ट्स में मेरा जाता है, तो वो सब भी हो गया फाइनली। अभी मैं बेबी के साथ आराम से खेलूँगी एंड आधा घंटा पौने 1 घंटा तो हम लोग खेलेंगे, फिर उसे दूध पिलाऊँगी और वो सो जाएगा। और यहाँ पे ना ये स्नेक कल से सीखा है, ऐसे करके पूरा डेकोरेट करता है। फिर इसका पूरा आगे पीछे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। पर हाँ, बाहर कुछ कपड़े हैं। हाँ, हस्बैंड फिर ट्रिप में जाने वाले हैं तो इसीलिए वो बैग यहाँ पे है, नहीं तो जगह पे ही रहता है। आप जानते हो मैं सब कुछ अरेंज करके रखती हूँ। एंड यहाँ पे फिर बाहर वो सारे कपड़े हैं जो मुझे फोल्ड करने हैं, तो देखते हैं कब करते हैं, आज रात को कर पाती हूँ या फिर कल करूँगी, देखते हैं। सो सुबह से बहुत सारा काम रहता है, तो सुबह से तो मैंने आज मतलब थोड़ा ही जस्ट रेसिपी ब्रेकफास्ट का वीडियो बनाया था, उसके बाद बेबी को नहलाना, फिर हम लोग पूरा सब कुछ ख़त्म किया। हाउस हेल्पर भी जल्दी आने वाली थी तो इसलिए जल्दी जल्दी सुबह काम ख़त्म किया। तो फाइनली आज का दिन ख़त्म होता है, कल से फिर संडे है, देन मंडे से तो फिर से वीक शुरू है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कुछ के साथ। बाय बाय एवरीवन।